अज फिर वही रोष लग गया जो 13 महीने दिल्ली के बार्डर उत्ते बह के मोदी ने जो कानून ठोके साजे उत्ते वापस करने वास्ते यही बैठे पर कई साढ़े मोदी ने वादे हुए ही जो कि MSP की गारंटी होर साड़िया कई मंगा जिन्हों के वादा खिलाफी की है मोदी सरकार ने अज भी पार्लीमेंट में जो बैठे उन्होंने दसना चाहिए कि दोबारा फिर और अंदोलन फिर शुरू ना करा लो जो जो साड़िया रही मंगा और MSP की गारंटी वो बनाई जाए जिन्ना चेर MSP की गारंटी नहीं बनाई जाऊगी उन्ना चेर अंदोलन अगे तो बढ़ूगा क्योंकि 2024 के इलेक्शन लड़नी है मोदी सरकार ने दूर चटानी है इन्होंने किसानों ने फिर जे किसानों का वादा खराबी उस पंजाब को जिदा पहले उठा ही एडा नारा फिर पंजाब हरियाणा हर हिंदुस्तान तो पूरे भारत चो यह लहरा उठ के फिर दिल्ली वालू तुरनी करके मोदी सरकार ये समझना कि किसानों नहीं छेड़ीदा जे तू छेड़िया ते अगे तू देखा 13 महीने तेन मिट्टी चढ़ाई तेरिया गोडिया लवाइया तेरिया ते गोडिया लवा के तेरे को और कानून वापस कराए तू 3 घराने पालने वास्ते तू अडानी अंबानी पालने वास्ते ते ये जेड़े दोबारा फिर मंगे जेके लिया कानून साडे करी लिया करके साथियों बेनती है कि तगड़े हो गए संघर्ष से रह चलो टाइम थोड़ा साथी ने टाइम वालों कहता 3-3 मिनट लगे करके मैं 2-4 नारे बनाने तगड़े होके साथ दो किसान मजदूर एकता किसान मजदूर एकता संयुक्त मोर्चा मोदी सरकार बहुत बहुत धन्यवाद वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ साहब इन्हों तो बाद सतनाम सिंह जी निराला जमहूरी किसान सभा पंजाब के प्रधान वो अपनी गल कहन मैं एक बेनती रिक्वेस्ट सभी जो मंच के पास बैठे लोग हैं उनको करने चाहता है जो जे डी ब्लॉक में जो मेरे साथी किसान जी बैठे हैं इनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव और स्टेट अध्यक्ष और महासचिव और जा उनके कोई भी दो संगठन के साथी हो सकते हैं वो ही यहाँ बैठे और प्लीज और साथी यहाँ पर ना बैठे बाहर पंडाल में बैठकर इस जो महापंचायत है इसकी शोभा बढ़ाए हैं जनरल साहब मंचित बैठे बनारस बैठे छान जो भी हो थोड़ा जाया आपसे इतनी गलत बात ना करते थे ध्यान से इतना दे मैं कहना चाहना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना कितना जोर वीर सिंह बाजरे का वीर सिंह आप जी एक सारे भारत भी बना के जेडे दिल्ली के मोर्चा से लड़े सारे नालों ज्यादा एकता बनाने की लड़ है अपनी एकता अख की पुतली राखी करने की लड़ आ तो भावे साडे कानून रद्द कर दिते सरकार ने साडे जोर के नाने बहाने उन्होंने कानून मंडिया मोदी आने बहाने भज रहा वा इनी फसल खरीदा गे इनी नहीं खरीदा गे इन्होंने मूंगी दाला दिया फसल का खरीदने सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपया रखा सो मैं कहना चाहना अपनी होर एकता मजबूत करो अपने होर ज्यादा जेडे लोग अपने नाल जोड़ो पिंडा दे विच मीटिंगां करो आने वाले समय दे विच
सरकार आने बहाने इन्हों 214 समीप कोर्ट के विच मोदी का हलफनामा अपना हलफनामा सॉलिसिटर जनरल ने यह भी दिता वा साडे को पैसा नहीं असि MSP दे नहीं सकते। मैं कहना पैसा क्यों नहीं हैगा, पिछले 15 साल जी लोगों कई फसलों से MSP जरा घटो घट कीमत सी ना दे करके 17 लाख कर मोदी के खजाने में चल गया, दानिया मानिया को चल गया। ये अभी अज कहने जेडे कारपोरेट घराने उन्होंने 4% टैक्स लाओ वो तो इन मालिया आजगा गरीबों ने जो मर्जी रहता जो किसानों ने MSP दो। पिछले साल इन्हें कणक 84,000 करोड़ की खरीदी सी, पिछले साल इन्हें झोना फैली चौल जिन्हों खरीदा वो 1,25,000 करोड़ का खरीदया। ये दोनों गिनती कर लो, ये दोबारा पैसे रिवॉल्विंग फंड या जान बच के बहाने बनाते MSP देने तो अदानिया बानिया साडी जमीन हवाले करना चाहते हैं, इस करके MSP देने तो भजते हैं। ये मैं तीसरी गल कहना चाहना पिया जो बजट आया पंजाब का आया केंद्र का आया वो गरीबां का आया वो मनरेगा का आया वो भावे किसी चीज का आया वो शाम दिते गए शाम दिते गया इले वर्गे करते। सो इस करके लड़ाई हम चौतरफी है, ये केंद्र की सरकार आ ना दिना सूबिया दिया सरकार जीतियां उत्ते चलदियां ने साडी लड़ाई दो धारी चलनी है। सो मैं इन्हां शब्दां दे नाल तुहानूं फिर बार बार बेनती करदा हां, अज असीं आए हो मोदिया वो दिल्ली वाले हो साडे नाल 9 दिसंबर नूं जे वैले कीते सी उस ब्याहां तों भज्जण गए जो असीं भज्जण नहीं देणा गिटियां ने चले गए असीं MSP दा कानून बना के लोगे जो भी कारण लो। जय जवान जय जवान मजदूर किसान एकता। धन्यवाद धन्यवाद जनरल साहब। इन्हों तो बाद वीर सिंह जी गरबा किरती किसान मोर्चा रोपड़ पंजाब तो प्रेजेंट ने, वो अपनी गल कहेंगे। इन्हों तो बाद सुभाष का काकम महाराष्ट्र सहायक सेहतकारी संगठन वो भी स्टेज पे आ जाए। और दूसरे पासे श्री आर वेंकैया जी नेशनल प्रेसिडेंट आल इंडिया किसान सभा वो भी स्टेज पे आ जाए। थैंक यू बग्गा साहब। देश के कोने कोने तो आए हुए किसान भावो साड़िया मकामा पैना के नौजवान साथियों, सब तो पहला फतेह प्रवान करो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो अज फिर तो दिल्ली के विच उही किसानी मंगा जिन्होंने लिए 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते संघर्ष किया गया सी, उन्हां तो जिहड़ियां मंगा सरकार ने खुद मंगियां सी पर मोदी सरकार अपने वादियां तो मुकर चुकी है ते उसनू ए दसण लई कि अगर उन्होंने अपने वादे पूरे ना किते तां एक किसान दोबारा दिल्ली दीआं बलूआं दे उत्ते आ के बैठण लई तैयार बार तैयार ने। सो किसान भरावो एक किहो जिहा देश है, एक किहो जिहा साडे लीडर ने जिन्हां नूं असीं ताकतां दे उत्ते बिठाया, इन्हां ने कानूनी भाषा ही चेंज करके रख दित्ती। इसे देश के विच गरीबों लिए कानून होर ने ते अमीरों लिए कानून होर ने। एक पासे 25-25-30 साल तो अपनी सजा पूरी कर चुके बंदी सिंह ते 86 कैदी जबरदस्ती ढंग नाल जेलां दे विच ढके होए ने, ते दूजे पासे लखीमपुर खीरी दे विच छरेआम 4 बंदियां दे उत्ते गड्डी चढ़ा के
उन्हें मार वाले अज भी जेलों को बाहर घूम रहे ने। सो यह कानून के बीच कितना बड़ा फर्क है कि एक पासे जेड़े लोग अपन सजावा पूरी कर चुके ने उन्हें जबरदस्ती जेलों के बीच डकिया गया, एक दूजे पास पैसे वाले लोग जिन्होंने पांच शरेआम कतल कर तो बाद भी साडे कोर्टा ने जमानता दे दी ने। सो भरावो जदों तक असी इन्हां दा मूंह खट्टा नहीं करते बंद खट्टे नहीं करते मोदी सरकार दे उदों तक समाज दे विच किसे दा भी भला नहीं होण वाला। सो असी वाहिगुरू अगे अरदास करदे आ जय शिवा बाल मोहैया शुभ कर्म ते कबहू ना करूं ना डरूं अरसे जब जाए लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। सो सर प्रभो एक दो नारे लगावांगा बहुता समा नहीं लैंदा, सो सारे किसान भरावां नूं बेनती है कि नारियां दा जवाब जरूर गज गज के देना। इंकलाब जिंदाबाद, साहिबान मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, साहिबान मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बोले रिक्वेस्ट की थी जहाँ पर भी जो ये डी है इसमें सिर्फ राष्ट्रीय प्रांतों के जो नेतागण है वो ही आए, पर इसके बाद हुआ ये उठके बहुत सारे लोग अपने आप इस जो नीचे वाला ग्राउंड में से आ चुके हैं। तो मैं बेनती करता हूँ कुछ दूती के कुछ संगठनों को कि वो इन गेटों पर अपने लोग लगाएं ताकि जो हमारे साथी हैं वो नेतागण ही अंदर आए, दूसरे ना आए पाए। मैं उन हमारे किसान भाइयों को भी दोबारा निवेदन करता हूँ कि वो ऐसे मत करें, हमारा साथ दें ताकि इसको पंचायत को बड़ी सफलता पूर्वक संचालन किया जा सके। तो आप जो मैं कह रहा हूँ सुभाष का पूछते ही आप अपनी बात कहेंगे, वो तो पता नहीं आ सके, पर आपके पास ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर वेंकैया जी वो अपनी बात कहेंगे। आर वेंकैया जी प्रधान अध्यक्ष मंडल में बलदेव सिंह जी एंड कृष्ण प्रसाद जी ऑल ओवर इंडिया में आने के बहनों भाइयों प्रणाम करता हूं। तुम्हारा हिंदी हमको थोड़ा थोड़ा मालूम, that's why I want to speak some words in English. This occasion, you know, March 20th, Chalo Parliament. Why we are given the Chalo Parliament? Kisanon ko 1 year kisan andolan kare. जट आंदोलन जट दिल्ली फोर बॉर्डर्स में चलते आंदोलन हिस्टोरिक आंदोलन इन इंडियन हिस्ट्री बिफोर इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस देर इज नो सच काइंड ऑफ हिस्टोरिक presently education in India. This is the first time we are organizing, we are launching this education in all over India. Not only one Kisan organization, irrespective of parties, irrespective of religion,
किसान आंदोलन